नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आम से बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। तो बनाना बहुत सरल है, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इसे। और देखिए कितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है, जितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। अब मैंने मीडियम साइज के दो आम लिए हैं, मीठे आम, तो इनका पल्प हमें निकालना है। और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और सारा पल्प हम इस तरह से निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो आम को छील के भी पल्प को निकाला जा सकता है, पर मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिया है। पल्प निकल गया है तो हम मिक्सी जार में डालकर इसे पल्प को पीस लेंगे। और इसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। अगर इसमें आपको लगे रेशे हैं तो इसे आप छान सकते हैं, पर इसमें रेशे बिल्कुल नहीं है तो मैंने इसे नहीं छाना है। और मैंने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन, और बेसन को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जैसे लड्डू के लिए बेसन को भूनते हैं, ठीक हमें उसी तरह से इसका बेसन भूनना है, या फिर जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक इसे भूनेंगे। और भून जाने पर इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। और देखें बहुत ही बढ़िया बेसन भून गया है, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे 1 प्लेट में। और फिर से हम उसी पैन को रख देंगे और जो आम का पल्प निकाला है उसे डाल देंगे। और 2 मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे। और 2 मिनट बाद ये पकने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चीनी ली है। जिस कटोरी से मैंने बेसन नापा था उसी कटोरी से मैंने चीनी नापी है। 1 कटोरी बेसन में मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है। अब 2 मिनट तक हम इसी तरह इसे चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए। और चीनी घुल जाने पर ही हम बेसन को डालेंगे। और देखें इसकी चीनी घुल गई है। तो अब हम जो बेसन भूंज के रखे थे उसे डाल देते हैं। बेसन की जगह आप गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसको भी आपको इसी तरह भूंजना होगा। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। आप इसमें फ्रूट कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर आम का कलर बहुत ही बढ़िया इसमें आ रहा है तो मैंने इसमें कलर नहीं डाला है। इसे मैंने बिना कलर के ही बनाया है। और देखें ये भूनते भूनते काफ़ी थिक होने लगी है। तो इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर और 2 मिनट तक और भूंज लेंगे। तो इसी तरह हमें इसे अच्छे से भूनना है। और देखिए ये कंबाइंड होने लगा है, ये भूंज कर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये जब हल्का ठंडा हो जाए तो हम इससे मिठाई बना लेंगे। तो मैंने 1 छोटी लोई यहाँ पर हाथों पर ले ली है और इसे हल्का हल्का हम गोल करके लंबा कर लेंगे। और मैं यहाँ पे लंबे साइज की इसकी मिठाई बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इससे मिठाई से बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो घी या प्लेट पर लगा लीजिए आप और फिर इसको जमा दीजिए। पर मैंने इसे हाथों से एक बिल्कुल अलग तरीके की मिठाई बना दी है। और मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने वो भी लगा दिया है। और थोड़े से मैंने यहाँ पे बादाम लिए थे बिल्कुल महीन काट कर, तो जिसे मैंने
मिठाई पर लपेट दिया है और बाकी की मिठाई भी हमें इसी तरह बनाकर तैयार करनी है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और देखें कितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है और बन गई है ना बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी मिठाई। मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी ये।